नमस्कार दर्शक तथा पाठक बंधुओं, एकलव्य मानव संदेश न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ नोटिफिकेशन का बेल आ रहा है उसे क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो अपलोड होते ही आपको। नूरपुर में भी हार गए। हम आज यहाँ तेलंगाना में इसलिए आए हुए हैं कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश का अंग है। 30 दिसंबर 1999 में पार्लियामेंट में डिबेट हुआ था कि ऑल फिशरमैन इज द लाइट एसटी, इनको एसटी की कैटेगरी में है और इन्हें ओबीसी में जबरदस्ती डाल दिया गया है। और वो डिबेट जो हुआ था पार्लियामेंट में, वो डिबेट अभी पेंडिंग हुआ और 2014 में तेलंगाना अलग हो गया। ढेर सारे फिशरमैन कम्युनिटी हमारे तेलंगाना में है। हमें एसटी की सुविधा 1992 से मिलती थी एससी की, क्योंकि उस समय हम अवेयर नहीं थे। हमें जबरदस्ती ओबीसी में डाल के हमको जो है रोका गया है। मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ कि बिना झंडे और बिना डंडे के कुछ मिलता नहीं है। आज एससी के वर्ग में जो लोग चालान से पहले जो अंग्रेजों की सेवा करते थे, क्योंकि 12 अक्टूबर 1871 को हमारे लोगों ने अंग्रेजों को डुबो के मारा था नदियों में, समुद्र में। सबसे पहले हमारे अंग्रेजों और सभी की आक्रांता थे, उनको हमें इन्हीं फिशरमैन से, इन्हीं मछुआरों से बोट पर ही लड़ाइयाँ हुई थी और उन्होंने कानून बनाकर हमें सोच रहे कृष्ण मित्र हमारे जितने भी साधन संसाधन हैं वो सब पर कब्जा करा दिया। आज के दिन में हम ये कहना चाहते हैं कि संविधान में सबके बराबर हिस्से हैं। 1992 से पहले एससी के जो हमारे यहाँ कांसी राम आए थे, एससी वर्ग को कोई सुविधा नहीं मिलती थी, 3% उनको नौकरी थी, आज 23% उनकी नौकरी है। एसटी का जो आज के दिन में हमें 15 मिलना चाहिए पूरे देश में 7.5%, वो 7.5% फिशरमैन का, क्योंकि हम ट्राइबल हैं, नदियों में रहते हैं, हम बोट पर रहते हैं, हम घर छोड़ कर रहते हैं। और आज के दिन में रिपोर्ट भी है कि जो है फिशरमैन जो है वो ट्राइबल कंडीशन में। तो तेलंगाना में अभी डिजॉल्व हो गई गवर्नमेंट। मैं अभी इन लोगों से निवेदन करने आया हूँ पॉलिटिशियन से कि अब किसी भी पार्टी से सीट मत मांगो, टिकट मत मांगो, वो सीट खाली करो और अपनी पार्टी से विधानसभा में तेलंगाना के जाओ और फिशरमैन कम्युनिटी की आवाज उठाओ। क्योंकि जब अपनी पार्टी होगी, अपनी आवाज उठाओगे, और क्योंकि बिना और डंडे के कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जब हमारा नेता उन पार्टियों में जाता है तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको गुलाम बना लेते हैं। वादा तो करते हैं फिशरमैन कम्युनिटी का, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन वही जैसे सब्जी बनती है उसमें सरकार जब तक नहीं बनी रहती तब तक फिशरमैन कम्युनिटी की वोट चाहिए, और जैसे गवर्नमेंट बन जाती है वैसे इन्हें बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है। इन्होंने कोई पावर दिया जाता है, न कैबिनेट बनता है, न तो कोई इनको पावर दिए जाते हैं। तो मैं अभी इनसे कहना चाहता हूँ कि अब हमें वोट टिकट नहीं चाहिए, बल्कि हमें सीट वोकेट करो, जो मछुआरों के लिए संविधान में मिला हुआ हक देने की बात करेगी उसके साथ हम लोग चुनाव अगला आगामी लड़ेंगे। यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट का भी लड़ेंगे और 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी लड़ेंगे। हम उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश।